नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं चैनल इग्नाइट। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट यह रही कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेस कर लिया है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी MRPL ने 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए टेंडर जारी किया है, क्योंकि रशिया हमें मार्केट प्राइस से $20 से लेकर $25 पर बैरल के हिसाब से कम प्राइस में ये क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है। अब क्वेश्चन यह रेज होता है कि US, फ्रांस, UK के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के डर से जब कई सारे देश रशिया से पहले किया हुआ अपना डील को तोड़ रहे हैं और रशिया से दूरी बना रहे हैं, तब भारत कैसे इन वेस्टर्न पावर के द्वारा सैंक्शन लगाने की धमकी और मीडिया प्रोपेगेंडा को इग्नोर करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है। एक्चुअली इंडिया इन सारे वेस्टर्न पावर्स को कंटिन्यूअसली टेंशन दे रहा है। यूं कहे तो इंडिया रशिया को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लिया है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे वेस्टर्न पावर्स इंडिया के एक्शन को गौर से देख रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। US, UK और यूरोपियन यूनियन अपने मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपनी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला के इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंडिया के अगेंस्ट में एक भी सैंक्शन लगाने की उनके पास गट्स नहीं है। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वेस्टर्न पावर को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उनका असली दुश्मन रशिया नहीं बल्कि चाइना है। साल 2014 में रशिया की यूक्रेन के क्रीमिया को कब्जा करने के बाद सारे वेस्टर्न पावर ने रशिया के ऊपर कई सारे बड़े और कड़े सैंक्शन लगाते हुए रशिया को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिस रशिया को काउंटर करने के लिए सारे वेस्टर्न पावर्स चाइना को पूरी तरह से मदद कर रहे थे, वो चाइना आज बहुत ही ताकतवर और खतरनाक हो गया है। आज के तारीख में चाइना कई सारे छोटे और गरीब देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कल चाइना यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों को भी कब्जा कर ले। इसीलिए चाइना को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया है। चाइना को रोकने के लिए US या फिर यूरोपियन यूनियन से कोई फोर्स नहीं आ सकती है, इसलिए वेस्टर्न पावर्स को एशिया के अंदर एक इक्वल और डोमिनेंट फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स है इंडिया, जो चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए सारे मिनिस्टर्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि सिचुएशन की डिमांड ये है कि सारे वेस्टर्न पावर को इंडिया के साथ बहुत ही गुड और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत है। इसीलिए सारे वेस्टर्न पावर्स चाहकर भी इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकते। सारे सिचुएशन को प्रॉपरली मॉनिटर और इवेल्युएट करने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC ने रशिया से 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया है, जो कि मार्केट प्राइस से $20 से लेकर $25 पर बैरल कम प्राइस में हमें मिल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 25 दिनों से वार चल रहा है, जो कि 5-6 दिनों में खत्म हो जाना था, वो अब खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। इस वार में रशिया को पर डे $1 मिलियन की खर्चा हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, साल 2014 में रशिया यूक्रेन की क्रीमिया के ऊपर कब्जा करने के बाद वेस्टर्न पावर्स रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दी है। अब यूक्रेन के ऊपर वार थोपने के लिए पिछले 9 तारीख तक रशिया के ऊपर 5,542 सैंक्शन लग गया है। इसीलिए रशिया को किसी भी कीमत पर अपना क्रूड ऑयल बेच के कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। जहां रशिया को क्रूड ऑयल बेच के कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी, वहां इंडिया डॉलर के बदले अपने रुपीज में रशिया को पेमेंट करने वाला है और इंडिया के एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ाने वाला है। दोस्तों, इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड को देखते हुए ईरान इंडिया के साथ रूपी रियल में डील करना चाहता है। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्स मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।